हे दोस्तों, टफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है साहिद और आज हम बात करने वाले हैं कुछ हिंदी मूवी और वेब सीरीज के बारे में जो इस महीने यानी कि जनवरी में OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली हैं। सर, क्या आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो? 2020 की तरह 2021 में भी काफी सारी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज होंगी। हालांकि बड़ी फिल्में तो थिएटर में ही रिलीज होंगी, लेकिन छोटे बजट की ज्यादातर फिल्में आपको OTT प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं कि 2021 की शुरुआत किन किन फिल्मों से हो रही है। उसके अलावा कुछ बड़ी वेब सीरीज भी हैं जो इसी महीने रिलीज हो रही हैं। तो आज हम उन्हीं फिल्म और वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं जनवरी में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली 5 मूवी और वेब सीरीज के बारे में। मैम, आपकी माँ कोमा में है तो आपको कैसे लग रहा है? तुम्हारी माँ कोमा में होती तो तुम्हें कैसे लगता? तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, जीत की जीत। G5 पर आने वाली ये सीरीज एक सच्चे देशभक्त मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर की कहानी है, जिसमें अमित साध मेजर दीपेंद्र सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं और अमृता पुरी दीपेंद्र की पत्नी जया का रोल निभा रही हैं और सुशांत सिंह दीपेंद्र के कमांडिंग ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। ट्रेलर आ चुका है जिसमें हम देखते हैं कि लाख कठिनाइयों के बावजूद भी दीपेंद्र हार नहीं मानते हैं और इसी को कहते हैं जीत की जीत, जिसे देखकर हर किसी के अंदर अपने देश के लिए कुछ करने की चाह जगेगी। ये सीरीज G5 पर 22 जनवरी को रिलीज होगी। नंबर 4, गुल्लक सीजन 2। गुल्लक का पहला सीजन कितना जबरदस्त हिट था वो तो आप सब जानते ही हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के इर्द गिर्द घूमती ये सीरीज ऑल टाइम बेस्ट सीरीज में से एक है। तो अब इस सीरीज का दूसरा सीजन आ रहा है जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि अभी भी इस फैमिली में कुछ बदला रही है, वही रोज के नोक झोंक, वही टूटी फूटी इंग्लिश और वही बड़े बड़े सपने और भी बहुत कुछ। पहले सीजन की तरह दूसरे सीजन में भी हमें वही मिडिल क्लास फैमिली की छोटी बड़ी खुशियों को दिखाया जाएगा। ये सीरीज 15 जनवरी को सोनी लिव पर रिलीज होगी। वैसे पहला सीजन आपको कैसा लगा था और दूसरे सीजन के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, त्रिभांग। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म त्रिभांग की कहानी अनुराधा आप्टे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। अनुराधा का रोल काजोल ने प्ले किया है, वहीं उनकी मां का रोल तन्वी आजमी ने प्ले किया है और अनु की बेटी का रोल मिथिला पालकर ने प्ले किया है। ये फिल्म इन्हीं 3 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमेगी। ट्रेलर में हम देखते हैं कि अनु कहीं पर परफॉर्म करने जा रही है, लेकिन तभी कुछ फ्लैशबैक सीन आते हैं और फिर पता चलता है कि अनु की माँ, जिसे अनु का रिश्ता कुछ ठीक ठाक नहीं है, वो कोमा में चली गई है। तो ये फिल्म इसी के आगे की कहानी है जिसमें माँ और बेटी का प्यार है, इमोशन है, आपसी झगड़े हैं और भी बहुत कुछ है। ट्रेलर काफी अच्छा है तो फिल्म भी काफी अच्छी होगी। बाकी तो देखते हैं कि लोगों को फिल्म कैसी लगती है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 15 जनवरी को रिलीज होगी। नंबर 2, तांडव। तांडव Amazon प्राइम की पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज को जाने माने डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है और सीरीज में सैफ अली खान लीड रोल में नजर आएंगे। उसके अलावा डिंपल कपाड़िया, तिग्मांशु धुलिया, जीशान अयूब, सुनील ग्रोवर, कुविंद मिश्रा, डीनो मौर्या, गौहर खान, अनूप सोनी और अमायरा दस्तूर सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। ट्रेलर से साफ है कि सीरीज पूरी तरह से राजनीति के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसमें लोग सत्ता के लालच में किस हद तक जा सकते हैं यही सब देखने को मिलेगा। हालांकि स्टोरी क्या होगी अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन जो भी होगी ट्रेलर काफी ज्यादा दमदार है, जिसमें डायलॉग तो जबरदस्त होंगे ही। ये सीरीज भी 15 जनवरी को Amazon प्राइम पर रिलीज होगी। नंबर 1, द व्हाइट टाइगर। राजकुमार राव प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म द व्हाइट टाइगर 2008 में आई अरविंद अधिगा के इसी नाम के नॉवेल पर आधारित है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि बलराम हलवाई अशोक यानी कि राजकुमार राव को देखता है और उसी वक्त ठान लेता है कि यही वो शख्स है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद वो अशोक के घर जाता है और उनका ड्राइवर बन जाता है, लेकिन तभी एक घटना घटती है और सब कुछ बदल जाता है। तो आखिर ये कहानी क्या है, कैसे बलराम एक ड्राइवर से इतना बड़ा आदमी बन जाता है, यही इस फिल्म की कहानी होगी, जिसमें ड्रामा है, सस्पेंस है, मिस्ट्री है और भी बहुत कुछ है। ये फिल्म 22 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो दोस्तों, ये है कुछ फिल्में और वेब सीरीज जो इसी महीने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। तो आप इन फिल्म और वेब सीरीज में से किस फिल्म और वेब सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।